ये बहुत सारे पवन सिंह के चमचे और दलाल है, कमेंट में गाली देता है, जो मैसेंजर उसमें भी गाली देता है। नारायण जी, उदित नारायण जी का भैया को इंटरव्यू बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उदित नारायण जी बोल रहे हैं भैया कि एक नंबर सिंगर है खेसारी लाल यादव जी। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। इस वीडियो को आप लोग एकदम कोरोना वायरस की तरह शेयर कर दीजिए, और खास करके इस वीडियो को भैया आप लोग विरोधियों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि जो विवाद हुआ था सौम्या पोखरेल के ऊपर, जब सौम्या पोखरेल ने बोला कि पवन सिंह कौन है, जी हाँ आपको बता दें भोजपुरी के जाने माने, तो छोड़िए बॉलीवुड में भी पूरे जाने जाते हैं भैया, जिनका नाम है उदित नारायण जी। उदित नारायण जी का भैया को इंटरव्यू बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उदित नारायण जी बोल रहे हैं भैया कि एक नंबर सिंगर है खेसारी लाल यादव जी। हाँ, रवि किशन जी का नाम लिया, निरहुआ का नाम लिया, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का भी नाम लिया, और पवन सिंह का भैया उन्होंने नाम नहीं लिया। हल्का सा ही वीडियो क्लिप देख लीजिए भैया आप लोग, खेसारी लाल जी के लेल, रवि किशन जी के लेल, निरहुआ जी के लेल, और हमरा लगे कि कोनो एक्टर ना है कि जेकरा। जी हाँ, अब पवन भैया का बहुत सारा चमचा यूट्यूबर बोलेगा, अरे पवन भैया को नहीं जानता उदित नारायण, नाम नहीं लिया, क्या नाम लेगा भैया, खत्म हो गया। पवन सिंह गाना बजिए नहीं रहा, पवन सिंह का जो भैया पुराना वाला गाना अभी भी सुनते हैं, नायका एक हमको नहीं सुन रहे हैं, अच्छे नहीं लगता है भैया सुनने में। पवन सिंह का जितना भी पुराना गाना भक्ति गाना, भक्ति गाना उसको सुन रहे हैं, बाकी भैया अब क्या बताएं आपको। पवन सिंह का नाम ही गाने का बेताज बादशाह कहे जाते हैं, बहुत सारे रहते हैं उनका चमचा लोग बोलता है कि पवन सिंह जो है भगवान है भोजपुरी का, उनका गले में सरस्वती वास करता है। लेकिन बहुत सारा पवन सिंह का देखिएगा यूट्यूब में सर्च मार के वीडियो, तो आपको दिखेगा कि पवन सिंह शराब भी पीते हैं, जो शराब पीता भैया उनके कंठ में सरस्वती वास करेगी। तो यहाँ पे भैया सरस्वती माँ कैसे विराजमान होगी, तो नहीं कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ये वीडियो को भैया बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जो उनके चमचे दलाल हैं, उनके लिए खास वीडियो था, जो हमेशा खेसारी लाल यादव को टारगेट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दें, यदि खेसारी लाल यादव के लिए आप लोग गलत उटपटांग सब कुछ ना कुछ यदि बोलिएगा, तो उसे सुनने का भी ताकत रखिएगा। जी हाँ, आपको बता दें जो खेसारी लाल यादव को गलत बोलते हैं, जो पवन सिंह को अच्छा बोलते हैं, हम ज़्यादा पवन सिंह के ऊपर कोनो वीडियो नहीं बनाते हैं, ठीक है। कुछ अटपटांग रहता है तो भैया बनेबे करेंगे, कहे नहीं बनाएंगे महाराज, यूट्यूबर न्यूज रिपोर्टर छोड़ दीजिए, यूट्यूबर है भैया वो, हम जो हकीकत है उसको हम दर्शाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पवन सिंह के चमचे और दलाल है, कमेंट में गाली देता है, जो मैसेंजर उसमें भी गाली देता है। तो जो कमेंट में गाली देता है या मैसेंजर में गाली देता है, उनको पूछिएगा कि किस तरह बाबा रिप्लाई देते हैं आप लोगों को, तो रिप्लाई भैया सबको मिलता है, ठीक है। उसी तरह भैया आप लोगों को रिप्लाई है कि सौम्या पोखरेल तो भैया नेपाल की है, सौम्या पोखरेल जो है वो है नेपाल की, आप समझ लीजिए। और उदित नारायण तो भोजपुरी बहुत सारे गाने गाए, लेकिन पवन सिंह को नहीं जान रहा भैया, यदि भोजपुरी में गाने का एक नंबर में स्थान आता तो पवन सिंह, और पवन सिंह को लोग नहीं जान रहे हैं, हटाइए कहानी, खत्म कीजिए।